हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूं प्रोफेसर रेनु। आज मैं आपके लिए वापस एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूं, आपके रिजल्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूं। आप यहां देख सकते हो मैंने यहां पे क्या लिखा है। आर्मी ऑडियंस की मैं बात कर रही हूं। यहां पे हमें बहुत सारे वीडियोज़ में देखने को मिल रहा है, मतलब दो तीन वीडियोज़ में देखने को मिला। फिर एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट्स किया था कि मैम हमारे रिजल्ट्स क्यों पोस्टपोन हो रहे हैं, क्यों अभी तक रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। किसी एक दो लोगों ने बता दिया है कि मतलब कोई छुट्टी पे है, कोई इस पे है। तो देखो फ्रेंड्स, कोई छुट्टी पे है चाहे इस पे है, ये मेन रीज़न नहीं है हमारे रिज़ल्ट का, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर है, कोई कुछ भी है यहाँ पे, तो ये मेन रीज़न नहीं बनता कि कोई छुट्टी पे है तो हम ये सब बताएं। मेन रीज़न यहाँ पे यही बनता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। आप सबको पता है अभी भी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप स्टेट्समैन का जो फायरमैन, जो दो एक दो लोग और भी बचे हुए हैं, उन सबके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। और ये पूरा एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा? 3 नवंबर को ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया है कि जब तक ये पूरे ट्रेड्समैन सबका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक किसी का रिज़ल्ट हमें नहीं निकालना है, ठीक है। ये नोटिफिकेशंस आपकी आ चुकी थी कि हाँ भाई सबके एग्ज़ाम ख़त्म होने, तो 3 नवंबर को एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा। देखो आप बहुत स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे कमेंट्स क्या करके बोलते कि मैम फाइनल आप डेट बता। फ्रेंड्स, ये मैं खुद एक गवर्नमेंट नहीं हूँ जो मैं आपको फाइनल डेट बताऊँगी। नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे जो इन्फॉर्मेशन आएगा फाइनल डेट का, वही मैं आपको बताऊंगी। हम लोग नोटिफिकेशन डीपली जा जाके कहाँ कहाँ से कैसे चेक करते हैं, वो हमारे पास एक्सपीरियंस है। वो उतना डीपली आप नहीं चेक कर पाते हो, क्योंकि उतना साइट सब कुछ अंदर जाना, सब कुछ करना, उतना आपके पास ये सारे नहीं होते ऑप्शन। हमारे पास सिस्टम के काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, हमारे पास नॉलेज होता है, हम उतना डीपली हर सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन, हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। पर जो चीज़ अभी एग्जैक्ट आई नहीं है, डेट अभी तक एग्जैक्ट नहीं आया है, तो हम आपको डेट खाली फोकर कुछ क्यों बताएंगे? बस सारे सब कुछ देखने के बाद, इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ये बता सकते हैं कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड, हम ये सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कब आने के चांसेस है। तो 3 नवंबर को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो उस 3 नवंबर के बाद मैं मान के चलती हूँ नवंबर का फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक के नवंबर तक के आने के चांसेस आपके हो जाते हैं रिजल्ट का, ठीक है। वो भी एक थोड़ी सी यहाँ पे और बातें हैं, यहाँ पे कैसे किस तरीके से रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, सारे का सबका साथ में आएगा, अलग अलग है। सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस वीडियो में दूंगी। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए पल पल के सारे इन्फॉर्मेशन लेके आता है और कोशिश करता है फर्स्ट टू फर्स्ट ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है। कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फेक न्यूज़ की, तो मैं आपको सही से इन्फॉर्मेशन देता है ये स्मार्ट नौकरी चैनल। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन पे, क्या एग्जैक्ट यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप स्टेट्समैन का जो सबका ऑलमोस्ट लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ लोग अभी भी यहाँ पे बाकी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको मेन फाइनल इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्या सबका साथ में रिजल्ट्स आएगा या फिर अलग है, मतलब कोई फायर मैंने, कोई ट्रेड है, कोई एलडीसी है, सबके यहाँ पे अलग अलग सबका ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात क्या आता है, सबका साथ में रिजल्ट आएगा कि अलग अलग है। जाहिर सी बात है, जब सबका ट्रेड, सबका काम, फायर मैन, ये सब चीज़ें यहाँ पे अलग अलग ही है, तो सबका रिजल्ट भी अलग अलग ही आएगा, ठीक है। अब ये तो अपने को क्लियर होगा कि सबके रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग आने वाले हैं, तो क्या सबका डेट भी अलग होगा? जाहिर सी बात है, डेट भी सबका अलग ही होगा। इतने सारे लोग हैं, सबका एक ही दिन में रिज़ल्ट बनाना पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल साइट पे भी देना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा कि जिन लोगों का पहले एग्ज़ाम हुआ है, पहले उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी का फर्स्ट हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट फायरमैन का हुआ है, ठीक है, फर्स्ट अगर फायरमैन का हुआ है तो पहले फायरमैन का ही रिजल्ट निकलेगा। इसके 2 दिन के बाद जो दूसरा होगा उसका दूसरा निकलेगा, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जिसका होगा उसके बाद उसका निकलेगा। इस तरीके से ये पूरा नवंबर आपके रिजल्ट्स ही आएंगे और कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा नवंबर रिजल्ट्स होने के बाद दिसंबर में आपका डीवी का डेट आएगा, और डीवी का भी डेट आप सब लोगों का आपके आपके ट्रेड ये सब चीज़ों के हिसाब से, फायरमैन का अलग, हर चीज़ का अलग अलग के हिसाब से आपका डीवी का भी यहाँ पे डेट आएगा। तो हो सके तो शायद जितने भी आपको माइंड में डाउट्स थे सबको यहाँ पे लेके, तो आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आपको कोई टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन जितना सब कुछ आपके माइंड में डाउट्स था यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है।
रिजल्ट किसी का भी यहाँ पे साथ में नहीं आने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है ना सबका रिजल्ट यहाँ पे साथ में लेके आना। कोई एक एग्ज़ाम है उसके लिए लाखों बच्चे बैठे हो तो उसका रिजल्ट एक बार साथ में आ सकता है, क्योंकि वो एक ही एग्ज़ाम है, उसमें बच्चे सारे बैठे, रिजल्ट वही निकाला गया है, ठीक है। बट यहाँ पे सबका पोस्ट अलग अलग है तो उसके हिसाब से यहाँ पे फिर रिजल्ट सबके साथ में नहीं आ सकते, ये तो कॉमन सेंस की बात हो जाती है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट्स था जो मैंने आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और सजेशन के साथ में। अगर किसी को अभी भी कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल पे ऑलरेडी कोई भी मतलब डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, पूरा ए टू जेड सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता है। तो प्लीज़ आप सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाओ, उसको अच्छी अच्छे से करो और उसका इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से कलेक्ट करो, ठीक है। तो अभी आपके सारे रिजल्ट के लेके डाउट्स हम लोगों ने क्लियर कर दिया। रिजल्ट का डेट अभी तक कुछ नहीं आया है तो हम लोग अपनी तरफ से कोई भी फेक न्यूज़ नहीं बताएंगे। इतना बता सकते हैं कि नवंबर के सेकेंड वीक से लेके अब आपके रिजल्ट ही आने के स्टार्ट होगा, तो आप नवंबर के सेकेंड वीक से अपना वेट रिजल्ट का वेट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।